ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, जब कभी भी जरूरत महसूस हो तो कुछ शुभ विचारों को चुनकर दोहराना चाहिए, जैसे कि मैं अपने नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर शांत हो गया हूं। शांत हो रहा हूं। यह हो रहा है। मैं जीवन में विश्वास रखता हूं। मैं जीवन में विश्वास रखता हूं, इसलिए मैं सदा सुरक्षित और आनंदित हूं। मैं शांत हूं, महत्वपूर्ण हूं। जैसे सभी अपना अपना महत्व रखते हैं, मैं भी महत्वपूर्ण हूं, संपूर्ण हूं। मैं खुद को प्यार, स्वीकार और माफ करता हूं। प्यार, स्वीकार और माफ। मैं खुद को प्यार, स्वीकार और क्षमा करता हूं। मुझे ताजगी महसूस हो रही है। मुझे प्रेम पूर्वक अपने शरीर, दिमाग तथा सभी अंगों की देखभाल करना पसंद है। मुझे ताजगी महसूस हो रही है। मैं जीवन के आनंद को खुलकर अभिव्यक्त कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन में हमेशा सही काम समय पर हो रहे हैं। यह मेरा विश्वास है। मेरे जीवन में हमेशा सही काम समय पर होते हैं। मैं चैतन्य हूं। मैं मजे से, खुशी से जीवन के हर अनुभव के साथ बह रहा हूं। ज्ञान की धारा में, ज्ञान गंगा में
सब ठीक ठाक पहले से बेहतर हो चला है। मैं खुशी खुशी अपने अतीत को, भूतकाल को मुक्त करता हूँ और अब मैं वर्तमान में चैन से हूँ, खुश हूँ, आजाद हूँ, प्रसन्नता से भरे हुए विचार, खुशी से भरे हुए विचार मेरे भीतर संपूर्ण स्वास्थ्य का निर्माण कर रहे हैं। प्रसन्नता, खुशी, आश्चर्य, सराहना, प्रेम, आनंद, मौन, इन सभी से भरे हुए विचार मेरे भीतर संपूर्ण स्वास्थ्य का निर्माण कर रहे हैं, सेहत का निर्माण कर रहे हैं। मैं साक्षी हूँ, मैं जान रहा हूँ। जब आप बीमार हैं तब इस विचार से शुरुआत करें कि मेरे विचार ईश्वर के विचारों से अलग हो गए होंगे जिस वजह से मैं यह बीमारी भोग रहा हूँ, वरना तो मैं बिल्कुल स्वस्थ होता। अब मैं केवल ईश्वरीय विचारों को ही अपने शरीर व मन से गुजरने दूंगा। यह आपकी दवा है, यह आपकी दुआ है, यह आपका दावा है। अब मैं केवल ईश्वरीय विचारों को ही अपने शरीर व मन से गुजरने दूंगा। यह वाक्य सत्य का विचार है, सत्य में शक्ति है, सत्य में ऊर्जा है। सत्य दोहराते ही उसकी स्वास्थ्य ऊर्जा आप में प्रवाहित होने लगती है। स्वास्थ्य ऊर्जा, आपका सत्य ही आपको निरोगी बना सकता है। सत्य से अनजान रहकर हम आज तक कई तकलीफें, रोग, परेशानियां भोग चुके हैं, इसलिए आज से ही यह प्रण करें कि अब मैं महाशक्ति के संपर्क में रहने के लिए अपने विचारों को सत्य की दिशा दूंगा, अपने विचारों को सत्य की दिशा दूंगी। यह समझ पाकर खुद से कहें, ईश्वर, सही और सत्यावी विचारों को मुझे माध्यम बनाकर सोच रहा है जो तुरंत विचार नियम अनुसार फल देंगे। इस सोच की वजह से, विचार नियम अनुसार मुझे फल देंगे। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आप अपने रोज के कामों में लग जाएं और बाकी सब विचार नियम पर छोड़ दें ताकि वह बिना अटके काम कर सके। जब भी अपनी बीमारी को देख कोई शंका आपके मन में पैदा हो तो यह दोहराएं, मैं अब खुश हूं, निश्चिंत हूं, क्योंकि अब यह समस्या, अब यह रोग, अब यह तकलीफ ईश्वर के हाथों में है, यानी बेस्ट हाथों में है, दुनिया के बेस्ट, बेहतरीन हाथों में है।
मैं खुश और निश्चिंत हूँ क्योंकि अब ईश्वर इसकी देख रेख स्वयं कर रहे हैं। आत्म सुझाव, विचार नियम अनुसार सोचे गए विचार या आपके दिल को छू लेने वाले वाक्य दोहराकर आप स्वास्थ्य का चमत्कार देख सकते हैं। आपके दिल को छू लेने वाले वाक्य जैसे स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है या मैं स्वास्थ्य से जुड़ना चाहता हूं और जुड़ रहा हूं। मैं बहुत जल्द ही निरंतरता से व्यायाम करता रहूंगा। उम्र के साथ मेरा उत्साह और स्वास्थ्य बढ़ते ही जा रहा है। मैं बीमारी के नहीं स्वास्थ्य के पक्ष में हूं। मेरे शरीर की पाचन क्रिया इतनी सशक्त है कि हर खाने की चीज लक्कड़ हजम पत्थर हजम जैसे हो जाती है। मेरा शारीरिक स्वास्थ्य देखकर लोग मुझसे प्रेरणा पा रहे हैं। हर सांस लेने के साथ मेरा शरीर स्वस्थ बन रहा है। मेरे चेहरे पर स्वास्थ्य की चमक, सत्य का तेज दिख रहा है। मेरे शरीर की हर कोशिका में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मुझे स्वास्थ्य के बारे में हर जानकारी मिल रही है। मेरा शरीर बलवान और मन सामर्थ्यवान बन चुका है या बन रहा है। जैसा आपका विश्वास है वैसा हो रहा है। मेरा शरीर बदल रहा है, स्वस्थ हो रहा है। मेरी कार्य क्षमता बढ़ रही है। मेरा शरीर चुस्त तंदुरुस्त बन चुका है या बन रहा है। या दोहराएं, मैं इतना स्वस्थ हूं कि बीमारियां मेरे आसपास आने से भी डरती हैं। मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्ती का आनंद ले रहा हूं। मैं चुस्त हूं, चुस्ती का आनंद ले रहा हूं। मैं सही वक्त पर सही मात्रा में भोजन करता हूं। मेरा स्वस्थ शरीर मुझे उच्चतम अभिव्यक्ति जैसे कि मेरी कला का प्रदर्शन करने में मदद कर रहा है। मैं सदा हल्का महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं। शांत चित्त से प्रार्थना करें।
अंत में तपर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल अर्पित करता हूँ। कृपया स्वीकार करें, इस भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।